हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मेरा नाम प्रवीण है और आज अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का थर्ड वीडियो, जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो इसमें आपका क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा y इक्वल्स टू f(x)g(x)। आपका f(x) क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा, g(x) रहेगा आपका सेकेंड फंक्शन। जब भी आपको फंक्शन रेस टू फंक्शन होगा, अप्लाई लॉग फंक्शन। कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। सो इसमें दो स्टेप्स है। स्टेप नंबर वन इज वॉट, टेक लॉग बोथ साइड्स। यानी क्या, आपको जो भी इक्वेशन गिवन रहेगी y इक्वल्स टू, उसमें क्या करना है आपको, log करना है। सो log y इक्वल्स टू व्हाट, log f(x) इज टू g(x)। सो log y इक्वल्स टू, अब जो आपका फंक्शन का जो पावर रहेगा वो क्या होगा, log के आगे आ जाएगा। सो क्या आपका इक्वेशन क्या मिल जाएगी, log y इक्वल्स टू g(x) इंटू log f(x)। जब भी आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्या करना आपको, सेकेंड स्टेप में क्या करना आपको, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो लॉग फंक्शन में जो भी रहेगा आपका x एंड y दोनों आपका एक फंक्शन रहेगा। यहाँ पे आपका x भी एक फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है। बाकी जो हम जो एग्जांपल देख रहे थे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, उसमें आपका x रहता है वो आपका फंक्शन रहता है, और जो y है वो आपका कॉन्स्टेंट नंबर रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको x को भी फंक्शन एज अ फंक्शन कंसिडर करना है और y को भी फंक्शन कंसिडर करना है। सो स्टेप नंबर टू इज वॉट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। सो log y क्या हो जाएगा आपका, 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, g(x) को u लेना है और log ऑफ f(x) को v लेना है। आप इसको भी v ले सकते हो या इसको u लो, किससे हो कुछ भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया, मैंने इसको u लिया, इसको v लिया। सो यहाँ पे g(x) इंटू log f(x) क्या आ गया, 1/f(x) इंटू f'(x) प्लस log f(x), ये आपका v एज इट इज इंटू आपका x का डेरिवेटिव। सो g(g)x आ गया यहाँ पे। सो अब क्या करेंगे, 1/y को मैं करूंगा यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड में। सो मुझे क्या मिल जाएगा, dy/dx एट द एंड आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका 1/y मल्टीप्लाई है इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो यहाँ पे अपने आंसर क्या मिल गया, dy/dx इक्वल्स टू y ब्रैकेट में क्या मिला आपको, g(x) इंटू 1/f(x) इंटू f'(x) प्लस log f(x) इंटू g(f)(x). ओके, सो हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10x इज टू साइन एक्स। नाउ 10x इज व्हाट, आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स इज व्हाट, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या वो कुछ भी हो सकता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज टू लॉग फंक्शन हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे आपके फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, आपका 10x इज टू साइन एक्स। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, लेट y इक्वल्स टू 10x इज टू साइन एक्स, देन आपको करना आपको लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड्स। सो यहाँ पे क्या आ गया, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग 10x इज टू साइन एक्स। नाउ दिस साइन एक्स विल कम हियर, सो लॉग वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 10x। नाउ क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था आपका, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी क्या, आपको y को भी डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से, और इस फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से। सो यहाँ पे जब भी इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो लॉग वाई क्या हो जाएगा मेरा, 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो साइन एक्स को मैंने क्या कंसिडर किया, u, और लॉग ऑफ 10x को मैंने क्या कंसिडर किया, v। सो साइन एक्स आपका फॉर्मूला क्या है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, वही रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ये आ गया u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। नाउ u एज इट इज आ गया आपका, नाउ डेरिवेटिव ऑफ v क्या आपका, लॉग ऑफ 10x। नाउ कंसिडर 10x एज वॉट, x अज्यूम करो इसको, तो आपका log x का होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। सो यहाँ पे क्या आ गया, आपका x क्या है, 10x है। सो आ गया 1/10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x, ये आ गया यहाँ पे, प्लस आपका v आ गया एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज वॉट, कॉस एक्स। सो यहाँ पे ये वाला हमारा ओवर हो गया डेरिवेटिव। नाउ साइन एक्स इंटू, नाउ 1/10x मेरा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जब ये 10x मेरा क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बट जब ये जब रेसिप्रोकल होगा उल्टा होगा, यहाँ पे ऊपर आएगा, तो मेरा कॉस अपॉन साइन हो जाएगा इंटू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस ये आ गया आपका कॉस एक्स इंटू लॉग 10x, ये आ गया आपका एज इट इज। नाउ ये जो आपका लेफ्ट पार्ट है, 1/y dy/dx इक्वल टू, ये एज इट इज चलता रहेगा। नाउ साइन एक्स कैंसल्ड, तो क्या बचा यहाँ पे, कॉस एक्स, यहाँ पे आपका आ गया कॉस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका, यह आ गया कॉस एक्स 1/cos²x प्लस कॉस एक्स इंटू, यह आ गया आपका एज इट इज। अब इस सेक्स स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, 1/cos²x, ये साइन साइन कैंसिल, ये कॉस एक्स आ गया यहाँ पे, सेक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 1/cos²x। नाउ दिस कॉस एक्स एंड दिस कॉस एक्स विल कैंसिल, सो क्या मिल गया आपको आंसर,
यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन कॉस बचा, या आ गया वन अपॉन कॉस प्लस ये आपका पार्ट वी वाला पार्ट एज इट इज आ गया। नाउ वन अपॉन वाई को मैंने क्या किया यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस साइड, तो मेरा वन अपॉन वाई तो यहाँ पे आके क्या मिल गया मुझे वाई मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, कहां से मिलेगा आपको वैल्यू, क्वेश्चन में से। सो आपने क्या किया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वाई इक्वल्स टू जो भी आपको गिवन था क्वेश्चन उसको आपने कंसिडर किया था वाई। सो यहाँ पे क्या करेंगे वाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे जो क्वेश्चन है वो एज इट इज। सो वाई क्या आपका टेन एक्स इज टू साइन एक्स, तो ये आ गया आपका टेन एक्स इज टू साइन एक्स इंटू जो ब्रैकेट में आपका पूरा पार्ट था sec, वन अपॉन कॉस क्या हो गया sec x प्लस cos x इंटू लॉग टेन एक्स। ये था मेरा u इंटू v वाला फॉर्मूला। सपोज अगर यहाँ पे अगर आपका u अपॉन v फॉर्मूला अगर भी अप्लाई करना हो तो कैसे करना है, तो उसके लिए भी एग्जाम्पल है। सो सेकंड एग्जाम्पल आपका u अपॉन v के फॉर्मूले पे रहेगा, बट कैसे उसको अप्लाई करना है, यहाँ पे आपका u इंटू v अप्लाई होगा बट कभी कभी u अपॉन v भी लगता है। सो इसमें कैसे देखें हम, सी क्वेश्चन क्या आपका x प्लस वन डिवाइड बाय x प्लस टू द होल स्क्वायर x प्लस इज द रेस टू फोर, करेक्ट ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे x प्लस वन आपका एक पूरा एक फंक्शन है, x प्लस टू x प्लस थ्री आपका एक फंक्शन, तो यहाँ पे आपको देखे रहेगा कि यहाँ पे अपना u अपॉन v लगेगा बट आपका इस फॉर्मूले में u अपॉन v नहीं लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे कंसिडर y इक्वल्स टू x प्लस वन x प्लस टू, इस पूरे पार्ट को हम y ले लेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप इज वॉट टेक लॉग बोथ साइड, सो यहाँ पे देखो y क्या आ गया मेरा लॉग y इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया लॉग, ये आपका पार्ट आ गया एज इट इज सेम। नाउ लॉग y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा लॉग, ये क्या होगा हमारा a अपॉन बी, सो आपका फॉर्मूला क्या है लॉग a अपॉन बी का लॉग ए माइनस लॉग बी। सो देखो लॉग ए, ए क्या आपका एक्स प्लस वन माइनस लॉग बी, बी क्या मेरा ये डिनोमिनेटर पूरा पार्ट, ये आ गया मेरा पूरा पार्ट, ठीक है। नाउ लॉग ए मेरा एज इट इज रहा माइनस, नाउ लॉग ए इंटू बी क्या होता है मेरा लॉग ए प्लस लॉग बी, सो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ गया लॉग ए प्लस लॉग बी, ये आ गया एज इट इज। नाउ दिस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो मेरा ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, सो क्या मिल गया मुझे लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर। नाउ दिस माइनस इंटू प्लस इज वॉट माइनस, नाउ ये आपका आ गया माइनस यहाँ पे लॉग एक्स प्लस इज द रेस टू फोर, ये आ गया सिंपल। अब क्या करेंगे लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो मेरा यहाँ पे आ गया ये टू आ गया इस साइड आ गया जाएगा, तो ये मिल गया मुझे टू लॉग एक्स प्लस टू माइनस ये फोर आ जाएगा लॉग के आगे, ये आ गया फोर लॉग एक्स प्लस थ्री। नाउ देखो अभी आपका हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म, अब इसको करेंगे हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पे तो आपका बेसिक सिंपल डिफरेंशिएट होगा लॉग वाई मेरा क्या हो गया वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नाउ कंसिडर एक्स प्लस वन एज वॉट एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन एक्स, सो एक्स प्लस वन क्या आ गया वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स क्या आपका एक्स प्लस वन ये आ गया यहाँ पे माइनस, ये आ गया मेन माइनस यहाँ पे टू इंटू, नाउ सेम एज इट इज यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे लॉग एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वॉट एक्स प्लस टू, सेम एज इट इज यहाँ पे माइनस, ये आ गया माइनस फोर, ये आ गया फोर लॉग एक्स प्लस थ्री क्या आ गया मेरा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ वॉट एक्स प्लस थ्री। नाउ अब क्या करूंगा मैं वन, मुझे एट दी एंड क्या फाइंड करना है डीवाई बाई डी एक्स, सो यहाँ पे मेरा डीवाई बाई डी एक्स है बट साथ में मल्टीप्लाई क्या है वन अपॉन वाई, सो मैं क्या करूंगा वन अपॉन वाई को मैं इस साइड उठा के फेंक दूंगा इस साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा वन अपॉन वाई क्या हो गया मेरा यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वाई की वैल्यू कहां से मिलेगी आपको क्वेश्चन से, जो कि आपके आपने जो क्वेश्चन को कंसीडर किया था वाई उसी को उठा के हम क्या करेंगे लास्ट जो आपका आंसर मिला उसमें वाई को पुट कर देंगे। सो आपका वाई आ गया यहाँ पे एज इट इज, नाउ वन अपॉन एक्स प्लस वन आ गया, नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वॉट वन और डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज वॉट जीरो, सो वन प्लस जीरो इज वॉट वन, तो ये हुआ मल्टीप्लाई किया सेम एज इट इज आ गया वन अपॉन एक्स प्लस टू, सेम फॉर हियर। सो यहाँ पे आपका देखो एक्स प्लस टू तो टू आपका जीरो हो गया एक्स हो गया वन, सो वन मल्टीप्लाई किया टू से तो मिला क्या टू, ये वाला आपका पार्ट आ गया एज इट इज। माइनस फोर आ गया ये माइनस फोर, एक्स प्लस थ्री था तो थ्री हो गया जीरो, एक्स हो गया वन, तो वन प्लस जीरो इज वॉट वन, वन इंटू फोर इज वॉट ये आ गया फोर, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री आ गया आपका सेम एज इट इज। इसको कर देंगे हम पूरा ब्रैकेट में और वाई की वैल्यू क्या है जो आपका क्वेश्चन था एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री रेस टू फोर, ये आ गया आपका ब्रैकेट आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, आया समझ में। तो ये था आपका जब आपको यू अपॉन वी टाइप के फॉर्म में दिया हो, जब भी फंक्शन इशू फंक्शन हो तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम दो क्वेश्चन और देखेंगे जहां पे आपका इनवर्स फंक्शन हो गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो उसको किस टाइप से सॉल्व करना है उसको। सो यहां पे आपका क्वेश्चन फोर्थ क्या दिया हुआ है एक्स एज टू ई रेज टू एक्स, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा थोड़ा इसको ध्यान से देखना। सो क्या करेंगे लेट फर्स्ट स्टेप इज वॉट आपको कंसिडर करना है क्वेश्चन को वाई, सो यहाँ पे क्या आ गया वाई इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू एक्स,
सेकेंड स्टेप क्या आपका, टेक लॉग बोथ साइड्स, तो ये आ गया लॉग वाई इक्वल्स लॉग एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या है, ये आपका एक्स एक फंक्शन है, ई रेस टू एक्स फंक्शन है, राइट, एक्स इज अ फंक्शन एंड ई रेस टू एक्स इज वॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स। नाउ लॉग वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये आपका ई रेस टू एक्स आ जाएगा लॉग के आगे, सो ये मुझे क्या मिल गया, लॉग वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। अब मुझे इतना मिल गया, अब क्या करूंगा मैं, अभी आ गया मेरा इक्वेशन, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। सो डिफरेंशिएट कैसे होगा, ये लॉग वाई क्या आ गया मेरा, वन अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नाउ दिस पार्ट इज यू दिस पार्ट इज वी, ये आ गया ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, मेरा क्या हो गया वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, क्या हो गया मेरा, ये आ गया आपका वी एज इट इज, आपका यू क्या है ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है सेम एज इट इज ई रेस टू एक्स। ठीक है, नाउ वन अपॉन वाई को मैंने क्या किया यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सो ये आ गया वाई यहाँ पर ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू इंटू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉमन क्या मेरा ई रेस टू एक्स, तो मेरा ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया ई रेस टू एक्स कॉमन वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। नाउ वाई की वैल्यू क्या है क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज वॉट आपका वाई इक्वल टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स, सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपका है जो इनवर्स वाला रहेगा, जब भी आपको फंक्शन रेस टू इनवर्स गिवन रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है। सो क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, एक्स रेस टू टेन इनवर्स एक्स, सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, लेट वाई इक्वल्स टू जो क्वेश्चन आपको गिवन है ना, देन टेक लॉग बोथ साइड, सो मेरा वाई क्या हो जाएगा लॉग वाई, देन यहाँ पे आ जाएगा, अब देखो लॉग में अप्लाई करूंगा तो टेन इनवर्स मेरा लॉग के आगे आ जाएगा, तो मुझे क्या मिल गया लॉग टेन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आप हमेशा याद रखना जब भी आपको लॉग वाला कुछ ऐसा फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होगा तो उसमें आपको हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ही आपको डिफरेंशिएट करना है ऑलवेज। ठीक है, नाउ लॉग वाई क्या हो जाएगा मेरा वन अपॉन वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नाउ दिस पार्ट इज यू दिस पार्ट इज वी, सो यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू। सो नाउ वन अपॉन वाई मेरा हो गया शिफ्ट यहाँ पे, तो वन अपॉन वाई तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मुझे क्या मिला वाई मिल गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग अपॉन वन प्लस एक्स, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। नाउ वाई की वैल्यू क्या आपकी एक्स एस टू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी और ये आ गया मेरा एज इट इज, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये था अपना लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंटिएशन का जो आपको मैंने क्वेश्चंस कराया, ये बेसिक क्वेश्चंस है इसके अंदर, तो आप अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बहुत सारे वीडियोस है जो आने वाले हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे।